किस्मत चमकेगी, किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसका छोड़ेगी जनता साथ। चुनावी दौर लगातार चल रहा है, पहले चरण का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसी प्रकार से चुनावी प्रत्याशियों ने लगातार अपने दौरों को तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का काफिला कुछ ही देर में नंगलाताल ग्राम पंचायत खांडा के पहुंचने वाला है। सपा नेता युवा नेता मौजूद है, मेरे साथ संजय यादव हैं जो यहाँ पर स्वागत करने के लिए है, इनकी पूरी टीम तैयार है। जी क्या कहना चाहेंगे नेता जी? समाजवादी पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त लहर चल रही है और लहर को देखते हुए भी एतमादपुर गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का पूरा सम्मान, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए क्षेत्र में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि कार्यकर्ता में जोश है, यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 351 प्लस आएगी। आप भी युवा नेता हैं और आपके प्रत्याशी भी युवा हैं और शिक्षित भी हैं। आज उनका काफिला रामबाग से चला है और कंडराव तक जाएगा, बॉर्डर तक। क्या किस तरीके से आप उनके साथ में चल रहे हैं और कैसा जनता का प्यार आपको मिल रहा है क्षेत्र में? जनता का प्यार ये है कि हमारी किसी से टक्कर नहीं है, स्पष्ट हमारी यहाँ से सीट निकल रही है और उत्तर प्रदेश में इस पर सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन रहे हैं, यही है हमारा। जी दादाजी, सच्चाई काम दे रही है, ईमानदारी है, सच्चाई काम दे रही है भाई। आप भी शिक्षक रहे हैं और वो प्रोफेसर हैं, आपको पता है शिक्षा, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा पर? मैं सवाल करता हूँ आपसे, इस समय उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी अराजकता फैली हुई है जिससे मतलब जाति विशेष वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे फंसाए जा रहे हैं, लिया जाए यह एक ऐसी सरकार आएगी सभी का साथ सभी का विकास असली करके यह पार्टी दिखाएगी। लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की योजनाएं कहीं प्रभावित ना कर दे जनता को, क्योंकि वो फ्री राशन दे रहे हैं और भी बहुत सारी योजनाएं, श्रम कार्ड के नाम पर 2000 रुपये उन्होंने दिए हैं और बहुत सारी योजनाएं सरकार की, कहीं कर सकती है प्रभावित जनता को? ऐसा है, माननीय अखिलेश जी की योजनाएं आदमी को स्वावलंबन बनाने की हैं, कटोरा लेके भीख मांगने की नहीं है, ये मार्च तक की योजनाएं हैं, मार्च के बाद में किसी को एक दाना नहीं मिलेगा, सब ये झूठे जुमले हैं, ये इससे कुछ जनता का भला होने वाला नहीं है। जी कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा और सत्ता में बैठे हुए लोगों, आपका तो सिर्फ दौर आया है, हमारा वक्त भी आएगा। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये ताल है ग्राम पंचायत खांडा के अंदर पड़ता है, एदमा विधानसभा 86 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का काफिला कुछ ही देर में आने वाला है, यहाँ पर सभी सपाई उनका स्वागत करने के लिए मौजूद है। सपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का काफिला लगातार ही बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान विधानसभा 86 से प्रत्याशी है और वहाँ उनका काफिला लगातार बढ़ रहा है। एदमा विधानसभा के अंदर एक ऐसे शिक्षित प्रत्याशी जो लगातार ही क्षेत्र में अग्रसर रहे, बात करते चलते हैं। जी डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, आज कहां का दौरा किया जा रहा है, डोर संपर्क किया जा रहा है? आज पूरा इस नगला नत्था से लेकर और रामनगर जटुआ तक कैसा प्यार मिल रहा है आशीर्वाद? आप रोड पर आगरा जैसा रोड चल रहे हैं, कैसा प्यार जनता का मिल रहा है आप देख रहे हैं? स्वागत हो रहा है, देख रहे हैं जलसा, देखिए नहीं कर रहेगी आज, युवाओं का पूरा झमेला है स्वागत के लिए खड़े लोग, आप ये देख रहे हैं, आप इन लोगों को घर से बुलाना पड़ रहा है और हमारे लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। आज आपकी विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहे, कुछ टिप्पणी करना चाहे? आप देख रहे हो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार ही यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है, सपा प्रत्याशी के लिए लगातार ही यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग उनका स्वागत सम्मान करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ में मौजूद हैं और उनका में समय समाजवादी पार्टी के क्षेत्र नेता शिवराम यादव जी जुड़ चुके हैं जो लगातार ही समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते नजर आते हैं, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिला महासचिव भी रह चुके हैं, जानते हैं इनसे वार्ता करते हैं क्या रुझान चल रहे हैं इनके प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के। जी डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी और काला जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन के 403 उम्मीदवारों से समाजवादी पार्टी 350 उम्मीदवार 100% जीतने का काम कर रही है। विधानसभा 86
पक्ष में क्या रुझान चल रहा है, कैसा प्यार जनता का आपको मिल रहा है? डॉक्टर वीरेंद्र चौहान स्वच्छ साफ छवि के उम्मीदवार हैं, वो प्रोफेसर हैं और छात्रों और नौजवानों के लिए, जनता के लिए उनने क्षेत्र में समर्पित रहे हैं। जो दोनों प्रत्याशी हैं ये कहीं ना कहीं दोनों पे आरोप सिद्ध हैं, इसलिए स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को लोग चुनाव जिताना चाहती है। कहीं ना कहीं लगता नहीं है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आया, लेकिन भाजपा के लिए मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं यहाँ पर। अब यही देख लो आप, निराशा है, हार है, इसलिए समाजवादी पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का को चेहरा मानकर, अपना नेता मानकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए, और निश्चित ही समाजवादी पार्टी के जरूरत पड़ेगी तो बड़े नेता जरूर आएंगे। पड़ सकता है मुख्यमंत्री जी के आने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो सकता है इसका? कोई फायदा नहीं, 5 साल में किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, नौजवानों को कोई फायदा नहीं हुआ, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, कोरोना के काल में लोग दवा के लिए तरसते, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब क्या कर दिया, एक दिन अवल खेड़ा में आ जाएंगे तो उससे कौन सा वोटों को कन्वर्ट कर जाएंगे? कोई दिख रहा है कोई टक्कर में आप जनसाल? मेरे साथ में डॉक्टर शिवराम यादव जी थे जिन्होंने कहा है कि कोई प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, बात करते हैं और जानते हैं विधानसभा 86 के क्या समीकरण है। जी चौहान साहब स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रत्याशी रुझान सबसे आगे चल रहे हैं तो आज क्षेत्रीय जी क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते पूरा क्षेत्र जो है उमड़ रहा है, उन्हीं की तरफ जो है पूरा रुझान जा रहा है और पूरा क्षेत्र चाहता है कि क्षेत्रीय व्यक्ति डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ही जीते और जिता के ये क्षेत्र है। आपकी आज विधानसभा 86 में यूपी के मुखिया भी आने वाले हैं आज ही? हाँ, पड़ सकता है। नहीं, योगी जी आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट बढ़ा रहा है समाजवादी पार्टी का। क्यों आने से वोट बढ़ रहा है? हाँ, क्योंकि हमेशा से जो माननीय राजनाथ सिंह आते रहे और क्षेत्र उनकी बात को मानता रहा, आज भारतीय जनता पार्टी ने ना तो क्षेत्रीय विधायक को टिकट किसी को टिकट दी और ना ही जिस क्षेत्र में आने वाले हमारे मुखिया माननीय राजनाथ सिंह को आने दिया। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए? हाँ, उस नाराजगी दूर करने के लिए नहीं, ये क्षेत्र पूरी तरह से बाबा से और ज्यादा नाराज हो गया है और डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की तरफ मुड़ गया है। उनकी तरफ मुड़ा है, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की तरफ मुड़ा है? हाँ, मुड़ा है। बाबा को आने से डॉक्टर वीरेंद्र चौहान के साथ पूरा क्षेत्र जो और मुड़ चुका है। टक्कर में कोई दिखाई दे रहा है? कोई टक्कर में नहीं है, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की चीज सुनिश्चित है। लेकिन भाजपा खुले मन से ऐलान करती है कि हमने पिटारा खोला है योजनाओं को, युवाओं को रोजगार दिया है। और अब भाजपा ने खोला वो अलग विषय है, पता नहीं अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी बात करती है, अपनी सरकार की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं है, वो कार्यकर्ता सारा उठ चुका है। महत्व का फैसला बाईसी करती है, बाईसी किसकी तरफ दिखाई दे रही है? बाईसी हमारी तरफ रहेगी, बाईसी क्योंकि डॉक्टर वीरेंद्र चौहान बाईसी से ही है। और बाईसी तो छोड़ो, पूरे विधानसभा में पूरी विधानसभा क्षेत्रीय होने के नाते पूरी विधानसभा पूरा क्षेत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौहान को जिताने का कार्य करेगा। आगरा जलेसर रोड पे आप पैदल मार्च कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा ये काफिला, कहाँ तक जाएगा? जब तक रात होगी तब तक कार्यकर्ता चलते रहेंगे और डॉक्टर साहब चलते रहेंगे, प्रत्याशी चलते रहेंगे, हम भी चलते रहेंगे। जी प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आप युवा है, ये बताइए। ये हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज 86 विधानसभा इनको लाखों वोटों से जिताने का कार्य कर रही है और लोकल फोर वोट बनाम ओनली वोट लोकल वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर बाहरी व्यक्ति को कोई संरक्षण नहीं दी जाएगी। आज हमारे साथ 22 का 1 लाख वोट है, उसमें से 70% वोट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के लिए पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा राशन का फर्क नहीं पड़ेगा, भाजपा राशन बांट रही है फ्री में। भाजपा सारे युवाओं ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल पहले बनी थी, उन्होंने जो पूरा वादा किया था उनमें से कोई वादा कर दिया क्या? वो कहने का रोजगार दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया है, जो उन्होंने करोड़ों में रोजगार देने का वादा किया था आज उन्होंने 10,000 नौकरियां नहीं निकाली, श्रम कार्ड दिया।